गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। लेट्स स्टार्ट अवर सब्जेक्ट्स मैथ एंड वी आर वॉचिंग एंड लर्निंग अवर चैप्टर नंबर 13, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में इसके पहले वीडियो में हमने पांच तरह की टेस्ट देखी हुई है ना, जिसमें SAS टेस्ट देखी हमने, फिर SSS टेस्ट, फिर ASA टेस्ट, फिर AAS और SAA टेस्ट, और फिर हाइपोटेनियस टेस्ट देखिए। और लास्ट वीडियो में ही हमने प्रैक्टिस सेट 13.1 भी देखा हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स आपको याद होगा, ये जो 13.1 एक्सरसाइज हमने देखी, इसमें मैंने आपको फोर्थ और फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम होमवर्क दिया था, वो यहाँ पे हमने अभी कर लिया है। देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया गया था, इसमें यदि ध्यान से देखा जाए तो एंगल एस, एंगल एम और एंगल ए से बना हुआ ट्रायंगल SMA और ट्रायंगल OPT, ठीक है। तो इसमें हमें टेस्ट शो करनी है बेटा, कि यहाँ पे कौन सी टेस्ट एलिजिबल होगी। तो यहाँ पे देखिए, एंगल एस कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ओ, साइड SM कॉन्ग्रुएंट विथ साइड OP एंड साइड एंगल M कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल P। इस तरह से अगर देखा जाए या फिर एक दूसरे के ऊपर इसे रखा जाए तो ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमने ASA टेस्ट यहाँ पे शो की हुई है, और करस्पॉन्डेंस इसका आएगा बेटा ट्रायंगल SMA 1:1 करस्पॉन्डेंस विथ ट्रायंगल OPT। देखा जाए तो यहाँ पे ट्रायंगल देने की ज़रूरत नहीं है, पर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने ट्रायंगल नहीं भी लिखा तो भी ये आपका आंसर सही होगा। SMA 1:1 करस्पॉन्डेंस विथ OPT, एंगल S विथ एंगल O, एंगल M विथ एंगल P एंड एंगल A विथ एंगल T। देन लास्ट क्वेश्चन इज 5, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल एक ट्रायंगल में दिखाई दे रहे हैं TMS में, है ना, और इसमें आपको टेस्ट शो करनी है बेटा। तो टेस्ट बहुत इजी है, साइड एंगल और एंगल की वजह से यहाँ पे टेस्ट आएगा SAA टेस्ट, और करस्पॉन्डेंस विद आएगा बेटा। देखिए, करस्पॉन्डेंस ऐसे शो करेंगे कि एक दूसरे के जो एंगल्स है वो एक दूसरे को, या साइड है वो एक दूसरे को मैच होने चाहिए। तो एंगल MTN 1:1 करस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल STN, तो यहाँ पे MTN करस्पॉन्डेंस विद STN भी हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है प्रैक्टिस सेट 13.2। तो उसके पूर्व स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सॉल्व एग्जांपल 1 एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक फिगर दी है बेटा, इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD। तो इन द अबोव फिगर कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर शोन by identical marks, state if there are any pairs of congruent angle in the figure। मतलब यहाँ पे कुछ मार्क्स दिए गए हैं इस एंगल क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, तो यदि इस ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में कोई congruent एंगल की पेयर होती है तो आपको यहाँ पे congruent एंगल की पेयर यहाँ पे शो करनी है बेटा, विद द हेल्प ऑफ साइड्स, ठीक है। इनडायरेक्टली यही बोला गया है, यहाँ पे एंगल्स यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाए गए हैं, फिर भी आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स शो करने हैं। वो कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसकी टेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को किस कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, साइड AB कॉन्ग्रुएंट विथ साइड CB, ठीक है। AB जो है वो CB के साथ कॉन्ग्रुएंट है, DA जो है वो DC के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड BD जो है वो कॉमन होने की वजह से, ये कॉमन वाला साइन हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, तो कॉमन होने की वजह से डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि AB, AD और BD ये तीनों साइड्स CB, CD और BD के साथ कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये साइड टेस्ट शो करती हैं। इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CBD बाय SSS टेस्ट। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे यदि कॉन्ग्रुएंट एंगल की पेयर है तो वो लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहली पेयर यहाँ पे आपको बताई गई है, एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल CBD। मतलब ये ABD जो है वो CBD के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, मतलब ये जो एक एंगल है वो ABD कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल CBD।
देन एंगल ए डी बी, देखिए ए डी बी तो यहाँ पे क्रॉस साइन दे देते हम लोग, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल सी डी बी। एंड लास्ट एंगल बी ए डी, देखिए बेटा बी ए डी यहाँ पे डॉट दे देते हम लोग, तो बी ए डी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल बी सी डी। तो ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 13.2, जिसमें यही सॉल्व एग्जांपल के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, वो प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हमारा प्रैक्टिस सेट 13.2 स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है कि इसमें बोला है इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल गिवन बिलो पार्ट्स शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिससे वो कॉन्ग्रुएंसी शो कर रहा है। तो यदि ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ तो स्टेट द टेस्ट एंड वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस बाय विच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो अभी हमें इसी टेस्ट और वन टू वन करस्पॉन्डेंस लिखना है कि जिसमें ट्रायंगल्स के हर एक पार्ट कॉन्ग्रुएंट और रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी हमें यहाँ पे शो करने होंगे। देखिए स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये डायग्राम हमने ऐसी डायग्राम इसके पहले भी देखी है, इसमें साइड और साइड दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वजह से हाइपोटेन्यूज भी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते समय यहाँ पे हम इसकी टेस्ट लिख लेते। बेटा टेस्ट कौन सी है पता है आपको, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में टेस्ट है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ठीक है। और साइड टेस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंस लिखना है, तो करस्पॉन्डेंस आपको पता है यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते बेटा एम एस टी 1:1 करस्पॉन्डेंस विथ टी एम टी बी एम, ठीक है, एम एस टी विद टी बी एम, क्योंकि एम एस ये जो साइड है वो टी बी इस साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे हमको नज़र आ रही है। और यहाँ पे टेस्ट और करस्पॉन्डेंस होने के बाद अदर पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हमको यहाँ पे एंगल्स और साइड यहाँ पे शो करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं हियर साइड एस टी कॉन्ग्रुएंट वे साइड एम बी। देन दो एंगल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दोनों एंगल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल एस एम टी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल बी टी एम एंड एंगल एस टी एम कॉन्ग्रुएंट विद एंगल बी एम टी, ठीक है। तो ये हमारा ये फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम तो मैंने लिख लिया, लेकिन जहाँ से हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ था टेस्ट के पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल पेयर्स लिख लेते बेटा, जैसे ट्रायंगल एम एस टी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल टी एम बी, ये यहाँ से हम आप शुरू करना इसे लिखना, ठीक है। फिर टेस्ट आएगा वैसे ही सेकंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है इसका भी सॉल्यूशन में हम लोग इसके ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं, ट्रायंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल टी आर एस, ठीक है, क्योंकि पी आर ये जो साइड है वो टी आर के साथ ही कॉन्ग्रुएंट होगी, वैसे ही आर क्यू ये जो साइड है वो आर एस के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी। इस तरह से इसका कॉन्ग्रुएंसी आपको यहाँ पे शो करना होता है। अब ये जो टेस्ट है बेटा इसकी जो टेस्ट है वो कौन सी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको पता ही है कि एस और एस के बीच में आपको एंगल यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, एस एस टेस्ट से। फिर इसके बाद वन टू वन करस्पॉन्डेंस आपको यहाँ पे लिखना है, तो वन टू वन करस्पॉन्डेंस हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू सॉरी एंगल नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसकी वर्टिसेस लिख लेते हैं पी आर क्यू वन टू वन करस्पॉन्डेंस विथ टी आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वन टू वन करस्पॉन्डेंस हमने लिख लिया। अभी इसके जो कॉन्ग्रुएंट पेयर्स हैं
चाहे वो साइड के हो और एंगल के हो, वो सब हमको यहाँ पे लिख लेने हैं। तो एंगल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल आर टी एस। देखिए साइड बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एक एंगल यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट नज़र आ रहा है, वो है एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल टी एस आर, ठीक है। एंड लास्ट में हम यहाँ पे एक साइड भी शो कर लेते हैं, साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ साइड टी एस। देखिए हम इसमें वही एंगल या वही साइड शो कर रहे हैं जो कि आपको डायग्राम में नहीं बताए गए हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल आर पी क्यू जो है, आर पी क्यू ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है ये नहीं बताया गया था, इसलिए हमने ये एंगल लिखा। फिर एंगल लिखा हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर तो ये भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाया गया था, और फिर साइड पी क्यू जो है वो भी आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाई गई थी, इसलिए अलग जो भी बची हुई साइड या एंगल है उन्हीं को हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस और टेस्ट के साथ। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है वो भी बहुत ही आसान सी डायग्राम है बेटा। देखा जाए तो इसमें दो एंगल एक दूसरे के पास हैं और कॉमन साइड है, तो एस ए ए टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे ट्रायंगल डी सी एच कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल डी सी एफ। देखिए डी सी एच और डी सी एफ इसमें कोई भी एंगल या साइड चेंज नहीं हुई है, इस वजह से हम लोग डायरेक्टली इसे इस तरह से लिख सकते हैं। याद रखिए कि आपकी कॉन्ग्रुएंसी पेयर्स ऑफ साइड्स और एंगल एक दूसरे से मैच होनी बहुत ज़रूरी है बेटा। अब हम लोग चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो टेस्ट आपको यहाँ पे पता ही है, टेस्ट है हमारी एस ए ए टेस्ट, और करस्पॉन्डेंस यहाँ पे आपको लिखना है, करस्पॉन्डेंस होगा एंगल सॉरी एंगल नहीं लिखेंगे हम लोग, डी सी एच वन टू वन करस्पॉन्डेंस विथ डी सी एफ, यही करस्पॉन्डेंस हमको यहाँ पे उतार लेना है। फिर जो बची हुई एंगल्स या साइड्स हैं वो हमें यहाँ पे शो करनी है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं हेयर एंगल डी एच सी, डी एच सी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल आ डी एफ सी, ठीक है। डी एस सी देखिए डी एस सी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल डी एफ सी, ये हो गया। फिर यहाँ पे और एक साइड जो है वो कॉमन यहाँ पे दिखाई नहीं है, एच डी एच और डी एफ, तो यहाँ पे हम लोग वो साइड भी लिख सकते हैं एंड और एक साइड बची हुई है वो भी हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, सी एच साइड सी एच कॉन्ग्रुएंट विथ साइड सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत आसान है कि ये फिगर जो दी गई है आपको उसमें सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट ई सी दिखाया गया है। Which additional information is needed to show that triangle ABD and triangle EBC will be congruent by AAS test? यदि आपको ये दो साइड्स एक दूसरे को congruent दिखाए गए हैं तो अभी इसके साथ और कौन सी जानकारी आपको ज़रूरी लगेगी कि जिससे triangle ABD जो है वो triangle EBC के साथ congruent हो जाता है, और इसमें आएगी test AAS। तो AAS test show करने के लिए आपको यहाँ पे और much more कॉन्ग्रुएंट पेयर्स ऑफ एंगल्स यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको दी गई है बेटा वो हम लोग लिख लेते हैं, गिवन सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट ई सी, ठीक है। बट इट इज़ ओनली अप टू साइड, वी नीड अगेन वन टू मोर एंगल्स टू प्रूव दैट दिस फिगर इज कॉन्ग्रुएंट बाय AAS टेस्ट। हमें और दो एंगल्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख लेते बेटा, फॉर AAS टेस्ट
we need two more angles to congruent with each other. ना हेंस आप यहाँ पे लिख सकते, बेटा हेंस यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे हेंस एंगल ए डी बी, मान के चलते हैं कि एंगल ए डी बी जो है वो एंगल बी ई सी, बी ई सी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, या फिर ए डी बी को हम लोग सी ई बी बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट विद एंगल सी ई बी, ठीक है। और एक एंगल हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं एंड एंगल ए बी डी, देखिए ये जो एंगल ए बी डी है कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल सी बी ई, ठीक है। इस तरह से भी आप ये पेयर कंप्लीट कर सकते हैं कि जिससे ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे को इस तरह से एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसमें एंगल डी ए बी है, देखिए बेटा डी ए बी यहाँ पे मैं डॉट दे देता हूँ, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ई सी बी के साथ। और इसी का पेयर हम लोग एंगल ए बी डी और सी बी ई के साथ भी शो कर सकते हैं, एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल सी बी ई। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता है ख़त्म, कि जिससे हम इस ट्रायंगल को फिगर में दिए गए दोनों ट्रायंगल को एक दूसरों को दूसरे के साथ ए एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। बता तो देखिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगला चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं हम लोग बेटा, वो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जो कि सिंपल इंटरेस्ट पिछले साल हमने देखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि हमको देखना है, वो अगले वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।